पीने की चीजों में मिलावट करता है, इन तीन अपराधियों के लिए मृत्यु दंड का विधान है। यदि भारत में भी यही संविधान बन जाए तो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता और खाने पीने की चीजों में मिलावट करके हमारी जिंदगी को जहर नहीं घोल सकता और देश को नहीं लूट पाएगी। अब केंद्र सरकार से ये कानून तो बनता नहीं, बाबा से पूछते हैं, बाबा तेरे पास कितना पैसा है? अरे बेईमानो, बाबा के पास तो जो पैसा है वो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने खून पसीने की मेहनत की कमाई करके दान दिया है। ये बेईमानी का, चोरी का, गद्दारी का पैसा नहीं, ये खून पसीने की मेहनत की कमाई का, देश के लोगों का, देश की सेवा के लिए दिया हुआ पैसा है। चोरों का पैसा नहीं है, डकैतों का नहीं है। हिसाब तो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा कि 400 लाख करोड़ रुपए लूट गई, किसने लूटे हैं, वापस दिलवाओ देश का। लगभग पूरे हिंदुस्तान में गया हूं, अब तो एक एक जिले में जा रहा हूं। 5 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे से मिले हैं, उन्होंने मेरी इस अनुष्ठान में सहयोग किया है। और मेरे पास 5 करोड़ आदमी मिले, उनकी सेवाएं क्यों, उन्होंने इन सेवाओं से प्रसन्न होकर इस काम को समर्थन दिया, आज भी दे रहे, कल भी देंगे। हसन अली घोड़ा दौड़ाने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आ गए? बेईमान चोर गद्दार नेताओं का है उसके पास पैसा। इसलिए हसन अली की इंक्वायरी नहीं होती, उसकी नहीं होगी। और मैंने तो भारत सरकार से कहा, देख काम, 140 देश भारत के लूट का पैसा देने के लिए तैयार है। 140 देश कितने? 140 देश यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसमें संधि कर दी है सबने कि हमारे पास में जो भी भारत का बेईमानी का पैसा होगा हम देने के लिए तैयार है। 126 देशों ने उसको रेक्टिफाइड भी कर दिया, उसको अनुमोदन करना बोलते हैं, कैबिनेट से उस प्रस्ताव को पास करा कि यूएनओ भेजना पड़ता है वापस। पहले यूएनओ में 140 देशों ने सिग्नेचर किए, फिर 126 देशों की संसद ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन करके वापस यूएनओ भेज दिया। अब 126 देशों में तो तुरंत ही मिल सकता है, 140 में थोड़ा वक्त लग जाएगा। चलो तो 140 देशों से पैसा हिंदुस्तान का वापस आ सकता है, उसने भी सिग्नेचर कर दिए और 2009 में उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया कि हमारे पास जो भी भारत का पैसा होगा दे देंगे। लेकिन भारत के भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोगों ने उस 2006 से पेंडिंग पड़े हस्ताक्षर आज तक उस पर अनुमोदन करके यूएनओ नहीं भेजा है। इसका मतलब इनकी मनसा ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। सच बात को इनको बोल दे तो आंच लगती है। 2006 से पेंडिंग पड़ा, क्यों नहीं करते वो इसका अनुमोदन? दरअसल ये बात मुझे बहुत दिनों में समझ में आई, ये अर्थशास्त्र के नाम पर पूरे देश में अनर्थशास्त्र चलता है, ये बहुत देर में समझ में आता है। मेरे तो करीब 5 साल मेरे दिमाग की सारी नसें हिलगी तब समझ में आया है। मैं आपको देखो पूरा डेटा दे रहा हूं, ये अब तक रिजर्व बैंक ने 1935 से लेकर के आज तक कितना पैसा छापा हो, सारा हिसाब किताब है इस छोटे से पेपर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। ये 1935 में 1,35,000 करोड़ रुपए छापे, कितने? 1,35,000 करोड़। अच्छा, आज से 75 साल पहले एक करोड़ की कीमत कितनी थी? 75 साल पहले 1 किलो घी कितने पैसे में मिल जाया करता था? 1 रुपए में, ठीक है। आज से 75 साल पहले अपने दादा परदादा से पूछ लेना, यहां तो 75 साल वाला कोई बैठा नहीं है, एक आधा होगा शायद को। आज से 75 साल पहले 1 रुपए में 1 शेर घी मिल जाया करता था। चलो छोड़ो, तुम घी भी छोड़ो। आज से 75 साल पहले रुपए, डॉलर, पाउंड सब बराबर थे, अंग्रेजों का राज चलता था। पौंड 80 रुपए का है आज, 1 रुपए के बराबर, मतलब 80 रुपए दोगे तो 1 पौंड मिलेगा, और 1 पौंड यहां कोई जमा कराएगा हिंदुस्तान में तो उसको 80 रुपए मिल जाएंगे। तो ये 1,00,000 करोड़ मतलब 80,00,000 करोड़ के बराबर हो गए। खैर हमारे वाले तो बहुत अव्वल दर्जे के निकले, ये सारा का सारा हिसाब है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। करीब 10,00,000 करोड़ रुपए छापे, कितने? 1 करोड़ रुपए छापो तो 50 करोड़ का काम करता है बाजार में। 1 करोड़ रुपए घूम करके अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, जीडीपी को बढ़ाता है,
माने उत्पादन से देश में एक एक नोट 50 से 100 जगह घूमता है। इसलिए किसी भी देश में, ये जरा गौर से सुनने की बात है, यो मैं बोलता हूँ ना 400 लाख करोड़ रुपए कैसे लूटा, इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। ये कोई ऐसे मनगढ़ंत निराधार बात नहीं है, जरा सुनना, बड़े काम की बात है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% पैसा हो तो देश की अर्थव्यवस्था में बेईमानी, भ्रष्टाचार, कालाधन नहीं भरा होगा। ठीक है, जरा सुनना कैसे। एक 100 का नोट या 1000 का नोट, 1000 का नोट साल भर में कितने लोगों के पास में जाता होगा, दुकानदार से ग्राहक के पास, ग्राहक से दुकानदार के पास, उससे किसान के पास, किसान से फिर फैक्ट्री वाले के पास, फैक्ट्री वाले से फिर जो है फिर वो मजदूर के पास, मजदूर से फिर ठेले वाले के पास, ठेले से वाले से फिर जो है कपड़े वाले के पास, कपड़े वाले से फिर आगे, पैसा तो घूमता है ना। तो एक नोट साल में कितनी बार घूम जाता होगा, 50 बार तो कम से कम। एक नोट कितनी बार घूमता है ये तो सबको पता है, कम पढ़े लिखे भी इस बात को समझ जाते हैं। एक नोट कम से कम 50 बार घूमता है, इसलिए पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था चलती है उसमें नियम बना दिया कि 2 से 3% मनी इन सर्कुलेशन माने नोट होने चाहिए, सीधी सीधी बात। तो भारत की अर्थव्यवस्था आज है 50-60 लाख करोड़ रुपए की, इसमें कितना पैसा होना चाहिए, नोट कितने होने चाहिए, मनी इन सर्कुलेशन, अरे 16 करोड़ की होती तब जाकर के 2-3 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो अब तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, तो 2% हो जाएगा। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नियम है। मेरे पास यूके, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, सब जगह की अर्थव्यवस्था का, यूके में 3.7, फ्रांस में 3.6, कनाडा में 3.7 और साउथ कोरिया में 2.5, ऐसी ये वहां मनी इन सर्कुलेशन है। ये तो सीधी सी बात है। और भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी है उसके अकॉर्डिंग यहां 2 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए और यहां है 10 लाख करोड़। तो कितनी होनी चाहिए 10 लाख करोड़ रुपए के अनुसार अर्थव्यवस्था यहां की, अरे 50 से गुणा कर दो, 500 लाख करोड़ की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो कहां गए सब पैसे, कहां गए सब नोट, स्विट्जरलैंड। अब समझ में आ गई बात। तो ये बाबा जो बता रहा है ना, ये मैंने इस पेज को समझने में 5 साल लगे और मैंने आपको 5 मिनट में समझा दिया। मैं तो गांव का आदमी हूं ना, ये तो सारा काम हो सकता है। तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा बनेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस संध्या में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, हमारे पुलिस प्रशासन के अलावा हमारे CRPF के भाइयों ने भी बहुत मदद की, एक बार इनका भी अभिनंदन भाव।